निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है और दोस्तों इसका साइज 48.2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से भी 26,000 करोड़ बिहार के नीतीश बाबू के लिए अलॉट किया गया है और आंध्र प्रदेश के नायडू के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। क्या ये बजट नीतीश और नायडू के लिए ही है या फिर भारत की गरीब जनता के लिए भी कुछ है, और क्या इस बजट में भारत के युवा बेरोजगारों का भी ध्यान रखा गया है, जानेंगे इस साल के कम्प्लीट बजट के बारे में, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों इस बजट को हम दो पार्ट्स में समझेंगे, पहला भारत देश की गरीब जनता के लिए इस बजट में क्या है और दूसरा भारत देश के लिए इस बजट में क्या है। भारतीय जनता के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ किया गया है। सबसे पहले देश के युवाओं के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, साथ ही 5,000 रुपए हर महीने इंटर्नशिप भत्ते के रूप में दिए जाएंगे और 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के ईयरली इंटरेस्ट पर 3% की छूट दी जाएगी, जिसके लिए प्रतिवर्ष 1 लाख स्टूडेंट्स को ई वाउचर्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं इस बजट के द्वारा भारत के नागरिकों को क्या मिला है। तो दोस्तों 1 करोड़ गरीब परिवारों तक हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। वहीं इनकम टैक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर के 75,000 कर दिया है। 3 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20%, 15 लाख से ज्यादा पर 30% टैक्स लगेगा। दोस्तों इस नई टैक्स व्यवस्था की वजह से एक कर्मचारी को 17,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। और सबसे अच्छी चीज दोस्तों, कैंसर में जाने वाली 3 दवाइयों को टैक्स फ्री कर दिया गया है, ताकि कैंसर का इलाज सस्ता हो सके। पिछले 6 वर्षों में मोबाइल का घरेलू उत्पादन 3 गुना और एक्सपोर्ट 100 गुना हुआ है, और इसी वजह से मोबाइल और चार्जर पर भी BCD को घटा करके 15% तक कर दिया गया है। लिथियम, तांबे, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे 25 खनिजों को कस्टम ड्यूटी से बिल्कुल छुटकारा दे दिया है, ताकि इन सब से बनने वाली वस्तुएं सस्ती हो सके। साथ ही सोने और चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट, प्लास्टिक और टेलीकॉम पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि भारत में टेलीकॉम को ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और भारत चाहता है कि चाइना से इंपोर्ट को कम किया जाए। और प्लास्टिक पर कस्टम ड्यूटी को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि प्लास्टिक के यूज को कम किया जा सके। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। किसानों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अब एक चीज रह गई है, जो कि है हमारी देश की महिलाएं, जिनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। और अब देश की बात करें तो सबसे पहले आता है डिफेंस। दोस्तों डिफेंस के लिए इस बार टोटल बजट का 13% GDP का नहीं, बजट का 13% यानी कि 6,21,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले 30 से 40 सालों को अगर देखें तो डिफेंस बजट पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, और अगर ध्यान दिया भी गया तो उस बजट से ऐसे हथियार खरीदे जो कि 10 से 20 साल पुराने हो चुके थे। स्पेस के लिए काम करने वाली कंपनियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। विदेशी कंपनियों पर टैक्स को 40% से घटा करके 35% कर दिया गया है, ताकि और ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत की तरफ अट्रैक्ट हो। और 11,11,111 करोड़ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइन और सड़कों के निर्माण के लिए अलॉट किए गए हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एनडी अलायंस को ज्वाइन करने पर नीतीश और नायडू को क्या फायदा हुआ। 11,000 करोड़ रुपए बिहार की कोसी नदी से आने वाली बाढ़ से सुरक्षा के लिए अलॉट किए गए हैं। इसके साथ ही बिहार में एयरपोर्ट, 2400 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला पुल और साथ ही बहुत सी सड़कें भी बनाई जाएंगी। और आंध्र प्रदेश में अमरावती शहर को बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो दोस्तों इस साल का बजट क्या सही है या फिर इसमें कोई कमी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।